हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी नॉर्थ चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नहीं बल्कि कई सारी वैकेंसी, वो भी यूएसए से। तो जो लोग भी यूएस जाना चाहते हैं वो लोग जो है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो बिना कोई देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा वीडियो। जैसे ही अब्रॉड जाने का नाम आता है देन यूएसए का जिक्र जो है ज़रूर होता है। अगर उनको जो है यूएस की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो लोग जो है यूएस ज़रूर जाना चाहेंगे। इसलिए जो है मैं लेके आया हूँ यूएसए से कुछ वैकेंसी और ये सारी वैकेंसी जो है हमारे पास है, तो आप जो है हमारे थ्रू से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना कोई देर करते हुए जानते हैं कौन कौन सी है वैकेंसी। तो सबसे पहली जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है रजिस्टर्ड नर्स की, वो भी प्रोग्रेसिव केयर में। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं देन इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दूसरी जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है सिटी टेक्नीशियन की, जिसमें कि अगर आपके पास इससे रिलेटेड एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है देन ज़रूर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो वैकेंसी है वो है कैथ लैब टेक्नीशियन की, और इसमें भी अगर आपके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस है देन आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो और एक भी वैकेंसी है वो भी कैथ लैब टेक्नीशियन की है, और लेकिन वो जिसकी जो लोकेशन है वो दूसरी जगह पे है, तो अगर आपको वो भी सही लगे तो उसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है कार्डियक कैथ लैब टेक्नीशियन की, तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड भी एक्सपीरियंस है देन आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है सिटी टेक्नोलॉजिस्ट की, और ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जो है इसमें भी इंटरेस्टेड हैं देन ज़रूर जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो और कैथ लैब में जो है और भी वैकेंसी आई हैं, तो उसे भी जो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी जो है हमने अपनी वेबसाइट www.abroadjobhub.in पे जो है रख दी है। तो अगर आप जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं देन आप इसे चेक कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो तीन वैकेंसी है तीनों की तीनों जो है नर्सिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले जो है टेम्प्रेरी नर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नर्स की भी रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड नर्स की भी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो आईसीयू में रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इन तीनों ही पोजीशन के लिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है एक रजिस्टर्ड नर्स हैं तो। और आखिरी जो वैकेंसी है वो है अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की, तो अगर आप जो है एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है देन आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे पोजीशन में अप्लाई करने के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट www.abroadjobhub.in इस पर विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स चेक करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है अलग अलग रहेगी अलग अलग पोजीशन के लिए, तो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन की सैलरी जो है आपको मेल के थ्रू से बता दी जाएगी कि कितनी जो है आपकी सैलरी होगी अगर आपका CV जो है शॉर्टलिस्टेड होता है तो। और अगर आपको सब सही लगता है देन आप जो है क्या प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे करना है वो है हमारी वेबसाइट विजिट करनी है abroadjobhub.in पे, और उस पर जो है आप जाएंगे देन उसमें जो है आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, इसको जो है आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप डायरेक्टली भी हमारे ईमेल आईडी के थ्रू से कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bncuniverse@gmail.com, इस पर जो है आप अपना CV और कवर लेटर ज़रूर भेजिएगा। इसमें अपना एक्सपेक्टेड सैलरी भी जो है आप मेंशन कीजिएगा और कितने साल का एक्सपीरियंस है उसे जो है ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है लिख के आप हमें भेज दीजिए, हम जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे। और जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है और शॉर्ट लिस्टिंग खत्म होती है, तो जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको जो है एम्प्लॉयर से एक ईमेल आएगा। उस मेल में जो है सारी डिटेल्स लिखूंगी, कब होगा इंटरव्यू, कितनी होगी आपकी सैलरी, और साथ ही साथ आपका जॉब लोकेशन भी जो है वहाँ पे मेंशन किया गया होगा। ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा और अगर आपको जो है सही लगे देन आप जो है इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अपनी सारी चीज़ें जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और आप जो है क्या जो है उनसे चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ डाउट रह जाती है देन आप जो है हमारे साथ भी वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। चाहे तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि हम जो है उसका जवाब दे दें, या फिर आप जो है अगर मैसेज करना चाहते हैं देन फेसबुक के थ्रू से भी जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें देन व्हाट्सएप के थ्रू से भी जो है आप हमसे बात कर सकते हैं। इवन हम जो है सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप जो है वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएस जाने की। अगर आप जो है यूएस जाने के लिए तैयार हैं और या फिर प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, या फिर आप जो है ऑलरेडी यूएस में हैं और आपको जॉब चाहिए, देन आप जो है इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग है वो हम करने वाले हैं, इसकी वजह से जो है आप हम पे अगर ट्रस्ट करते हैं देन हमारे थ्रू से भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यूएस जाना है देन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है।
तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।